हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तापू सिंह और आज हम बनाएंगे पम्पकिन प्रॉन सब्जी। और इस सब्जी को बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सारे रेसिपी आप तक पहुँच पाए। और हमें लाइक करें, कमेंट करें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम सब्जी को बनाते हैं। दो सौ ग्राम कद्दू है कटी हुई, एक मीडियम साइज का आलू है, एक प्याज है कटी हुई है और एक हरी मिर्च है और एक टमाटर है। यहाँ मैंने कुछ मटर लिए हैं और धनिया पत्ता है कटी हुई। प्रॉन या चिंगड़ी मच्छी है, इसे 100 ग्राम है यहाँ। और इसे हमने अच्छे से धोकर छिलका हटाकर अच्छे से साफ कर लिए और अच्छे से दो तीन बार इसे साफ पानी में धोकर इसमें हम थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर मिलाकर रखे हैं 10 मिनट। धनिया पाउडर है आधा चम्मच, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। कढ़ाई गरम होने पर हम यहाँ 2 चम्मच वाइट ऑयल डाले हैं और पहले हम प्रॉन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। प्रॉन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई करना है इसे 2-3 मिनट। प्रॉन फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी ऑयल में हम कलौंजी डालेंगे और अब हम डालेंगे हरी मिर्च और प्याज। अभी 1-2 मिनट फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज थोड़ा गुलाबी हो जाए और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। इसे भी हम 1-2 मिनट चलाएंगे और अब हम डालते हैं इसमें आलू। आलू थोड़ा सा फ्राई हो चुका और अब हम इसमें डालेंगे पम्पकिन कद्दू। एक दो मिनट कुमड़ा को भी फ्राई कर लेते हैं और गैस का फ्लेम सिम में रखना है। अब हम इसमें सारे मसाले को डालेंगे और गरम मसाला बाद में डालते हैं। यहाँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चीनी, नमक सभी को डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए ढक देते हैं और गैस का फ्लेम लो रखना है। 5-7 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। 5 मिनट बाद सब्जी को चेक कर लेते हैं। और इसको थोड़ा से होने में बाकी है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं।
ज़्यादा नहीं, करीब आधा कप हम पानी डाले हैं। और इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें मटर डाल देते हैं और इसे फिर से 2-3 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। 3 मिनट बाद हम ढक्कन को फिर से खोल देते हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। प्रॉन डाल देते हैं और धनिया पत्ता डालते हैं। सभी को अच्छे से मिलाना है और इसे 1-2 मिनट हम चलाएंगे। सब्जी हमारा तैयार है। गैस को अब हम ऑफ कर देते हैं। हमारा कद्दू प्रॉन तैयार है और ये सब्जी आप चावल रोटी सभी के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है।